और यहाँ पे आने का मकसद ये कि आज गवर्नर साहब ने तमाम यूट्यूबर्स सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स को दावत दी है स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए। यहाँ तो वैसे तो खास आवाम सबके लिए है, तो गवर्नर साहब से भी बात करेंगे और आपको यहाँ अफ्तारी के भी आपको प्रोग्राम दिखाएंगे और हमारे साथ रहिएगा। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही वीडियो को लाकर तो आइए मेरे साथ। खैरियत है बाबू भाई, ये बताएं कि ये प्रोग्राम माशाल्लाह इतना बेहतरीन हो किस्म का हो रहा है, ये बताएं इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? प्रोग्राम के बारे में ये कहेंगे भाई 2023 के अंदर भी यहाँ पे इफ्तारी रखी गई थी और हम सब उसके अंदर आए थे, जमा हुए थे यहाँ पे, और हम फिर दोबारा 2024 के अंदर भी यहाँ पे जमा हुए हैं, तो सारे मिलने का बहाना है सारे यूट्यूबर्स का। और अभी गवर्नर साहब बुला रहे हैं हमें, गवर्नर साहब के साथ चलते हैं, उसकी इफ्तारी करते हैं और इफ्तारी का रिव्यू भी देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। आगे चलते हैं, इफ्तारी के बाद मिलते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। चैलेंज हो गया बेटा, आ गया जो अच्छा अयान और बिया चलें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरे साथ अनाबिया और अयान दोनों यहाँ मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। मैंने आज आप सब मीडिया के सामने इन दोनों बच्चों को ये सर पर हाथ रखकर ये दोनों बच्चों को ऑफर कर रहा हूँ कि इनकी कफालत अगर ये आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हो या जहाँ भी रहना चाहते हो, गवर्नर हाउस में रहना चाहते हो या हमारे साथ रहना चाहते हो एज ए फैमिली, तो मैं इन दोनों बच्चों की कफालत की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, सिर्फ इन्हीं की नहीं, मैं उन तमाम बच्चों को जिनके माँ बाप किसी भी वजह से उन बच्चों के साथ नहीं रहते हैं और वो बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर अगर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और उनके दिल में ये मायूसी है कि वो माँ बाप के एक साथ ना रहने की वजह से परेशान है, तो उन सारे बच्चों को आज मैं ये ऑफर कर रहा हूँ कि आ जाएं गवर्नर हाउस अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर, उन सब की भी जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार। बच्चों के दरमियान खुशी मोहब्बत और प्यार बांटेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे इनके माँ बाप को भी कि वो इन बच्चों की खातिर अपनी जिद छोड़ दें। ये मासूम बच्चे अपना घर छोड़ के चले गए, इनके रिश्तेदार भी परेशान थे, इनकी खाला भी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूँगा अभी कि क्या वजूहत थी, किस बिना पर ये बच्चों ने कदम उठाया, लेकिन अल्लाह ना करें ये बच्चे किसी ऐसे लोगों के हाथ में चले जाते जो न जाने इनके साथ क्या सलूक करते हैं। मैं आज दिल की गहराइयों से, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई आप सब मीडिया गवाह है कि यहाँ जो बच्चे आईटी में पढ़ रहे हैं या जो बाकी हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई सियासत नहीं है, ये अल्लाह की रजा के लिए। तो मैं इन बच्चों की आला तालीम के लिए जहाँ ये पढ़ना चाहें, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में भी मैं एडमिशन करवाने के लिए इनका तैयार हूँ, मुल्क से बाहर रहना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और उन तमाम बच्चों के लिए जो इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं माँ बाप की सेपरेशन के बाद, उन बच्चों के लिए ये मेरी ऑफर मौजूद है, वो गवर्नर हाउस आए, हम उनको उसी तरह से मोहब्बत और प्यार देंगे। आप सबका शुक्रिया। चले जी, मेरा बहुत हो गया, इन बच्चों को हमने अपनी जिम्मेदारी में लिया है, मैं अभी इनकी खाला से बात करता हूँ कि वो क्या कहती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इनके साथ बहुत अच्छा होगा, मासूम बच्चे हैं, मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इन दोनों को अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन बनाए। ये माइक दीजिए बस, बहुत शुक्रिया। शहजाद मॉन्टेजेस लेते रहना चाहिए, बच्चों के साथ तस्वीरें लेते हुए और सारे मॉन्टेजेस लेते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
का है? मोहसिन, मोहसिन अपना बात सुनो। ऐसी बात नहीं है कि हमारे गवर्नर सिंह ने अच्छा इंतजाम नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया, लेकिन ये इंतजामिया जो है ना अंदर से ये खुद करते हैं, गलती इनकी खुद की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आदि भाई भी मौजूद हैं, हमारे साथ ही आए हैं। आदि भाई ये बताएं कि कैसा लगा प्रोग्राम? भाई मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा रहा, और देखा जाए तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे। अब क्या कह सकते हैं भाई, देखो जब इतनी सारी आवाम होती है तो कोई लोग कोई खुश होके जाता है, कोई नाखुश होके जाता है, तो इसमें ये चीज़ें होती हैं, पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब होता है यहाँ पर। सही है। और ये है कि अब बहरहाल गवर्नर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं और बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम भी करे, और दो बच्चे जो खो गए थे, मतलब जो खुद ही चले गए थे, उनको भी बुलाया और उनके लिए भी इन्होंने काफ़ी कहा कि मैं उनको कफालत करने के लिए तैयार हूँ। बाकी ये है कि ओवरऑल अच्छा था, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और बाकी ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी उम्मीद होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी फिर आएंगे। और ये तो अफ्तारी को रिव्यू नहीं कर सकते, यहाँ पे बस की बहुत अच्छी खासी हो गई, क्राउड ज़्यादा हो गया था, रश बहुत हो गया जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, फिर मिलते हैं करियर के साथ, तब के लिए इजाज़त देते हैं, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।